हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। हम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशंस देखेंगे और कुछ फीचर्स देखेंगे इसमें आने वाले डिफरेंट फाइलम्स के। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इन सब के बारे में बात की थी। तो इसमें हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम किंगडम एनिमेलिया की ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किंगडम एनिमेलिया को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट देते हैं। फर्स्ट जो है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, जैसा कि नाम दिख रहा है, वो एक ही सेल के बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सिंगल सेल के ही होते हैं, उनके जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। चाहे वो डाइजेशन हो, इजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी बॉडी फंक्शन हो रहे हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। देखिए, इनमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन वैसे भी नहीं होते, बहुत सिंपल प्राइमिटिव फंक्शंस होते हैं जो कि एक ही सेल के अंदर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, एसिटेबुलेरिया, ठीक है। ये कई बार तो ना हमें ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि हम इनको एनिमल किंगडम की तरफ रखें या प्लांट, क्योंकि ये किसी की तरह भी बिहेव नहीं करते एग्जैक्टली। ना तो ये पूरी तरह से एनिमल्स के अंदर आते हैं कई, और ना ही ये पूरी तरह से प्लांट्स की तरफ आते हैं। तो इनको हम अलग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं या प्रोटोजोअस बोल देते हैं, बट इनका जो झुकाव रहता है वो ज़्यादातर एनिमल किंगडम की ही तरफ रहता है, ओके। और यहाँ पे आपने याद रखना है, एसिटेबुलेरिया एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे बड़ा है। एसिटेबुलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड देन हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, और मोटे तौर पर हम 10 फाइलम ले लेते हैं। आगे सब फाइलम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाइलम की बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम मोटे तौर पर 10 कैटेगरीज में बांट देते हैं। ये 10 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पहले ये 9 थे, हेमिकॉर्डेट्स को हम कॉर्डेट्स में ही पढ़ते थे, लेकिन अब हमने इनको सेपरेट कर दिया है। तो हम इस वीडियो में एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशंस करेंगे कि इनके क्या मेन फीचर्स हैं। इनके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, आप इनको काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, लेकिन एक मोटे तौर पर आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत ही ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं आपको बहुत डिटेल डीप ओवरव्यू दे रही हूँ। आई एम जस्ट पिकिंग ओनली दोज पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो किंगडम एनिमेलिया को एक इस तरह के इस डायग्राम में देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। देखिए, किंगडम एनिमेलिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम। ये सेलुलर लेवल होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पर किस लेवल पर हमारे बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं, या किसी एनिमल के बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो किस लेवल पे हो रहे हैं। सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। सेलुलर लेवल मतलब बहुत ही सिंपल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर। जैसे जैसे फंक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसे वैसे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आती है सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री। मतलब जब आप उनको काटो, डाइसेक्शन करो, तो क्या वो एग्जैक्टली इक्वल दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, या वो रेडियली मतलब जैसे रेडियस होता है सर्कल का, इस तरह से क्या आप उसको इस तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं सिमेट्री में, ठीक है। तो सिमेट्री, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, उनको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बाइलेटरल यानी दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम उन्हें। आप, आई होप यहाँ से आप समझ गए हैं। एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, रेडियल यानी उनको सर्कल में जैसे रेडियस होता है, इस तरह से आप इस तरह से उनको बांट सकते हो, और बाइलेटरल जिनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। फिर आती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम कहते हैं। सिलोम बॉडी कैविटी जो है, बॉडी के अंदर हॉलो बॉडी जो होती है, कैविटी जिसके अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वो सभी एनिमल्स में नहीं होती। और जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हम एसिलोमेटा बोलते हैं, और जिनमें बॉडी कैविटी होती है उनको हम सिलोमेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एसिलोमेट्स द
ठीक है, और जो ज्यादातर जो टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम वाले जो होते हैं उनमें वो सिलोमेट्स होते हैं या फिर उनमें फॉल्स सिलोम होता है, ठीक है, ऑलराइट, या फिर वो एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, ऑलराइट। एंड देन लास्टली उनको हम किस 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 तरह से स्टडी करते हैं, तो हमने उनको अलग अलग फाइलम्स में डाला है। ज़्यादातर जो सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनको हमने पोरीफेरा में डाला है, पोरीफेरा। और जो मल्टी सेलुलर में जो टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे आते हैं उनको हमने इन सारे फाइलम्स में डाला है। ये कौन से फाइलम हैं? सिलेंट्रेट, जिनको हम निडेरिया बोल देते हैं, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इन्हीं सबको हम आज स्टडी करने वाले हैं, मतलब इन्हीं के फीचर्स हम देखने वाले हैं कि कौन आता है एनिलीडा में, कौन आता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, ठीक है। कॉर्डेटा हमें स्पेयर किया है, इस वीडियो में मैं कॉर्डेटा नहीं डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं कॉर्डेटा डिस्कस करूंगी, ठीक है। आई होप यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम, क्लियर, किंगडम एनिमेलिया का। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम कह रहे थे कि जिनकी एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। अब ये रहे पोरीफेरा जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये स्पॉन्जेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इनको स्पॉन्जेस भी बोल देते हैं। हाँ, तो देखिए, क्या आप इनको दो हिस्सों में बांट सकते हो? क्या नहीं बांट सकते, ये एसिमेट्रिकल है। अगर आपको लग भी रहा होगा ना इस पिक्चर में कि बांट सकता हूँ मैं इसको दो हिस्सों में, तो भी बिलीव मी कि इनको दो हिस्सों में हम नहीं बांट सकते, इनकी एसिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है, सिमेट्री में नहीं आती है। ना तो आप इनको रेडियली बांट सकते हो और ना ही इनको बायलेटरली आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है। तो इनको कॉमनली क्या कहते हैं, हम आपने याद रखना है, इनको हम पोरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्पॉन्जेस ही आती हैं। ये ज़्यादातर मरीन होते हैं, सॉल्ट वाटर में रहते हैं, ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमने पिछले इसमें देख लिया, ठीक है, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है, ऑलराइट। एंड स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इनके अंदर यहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है, यहाँ ऊपर इनकी ओपनिंग होती है, पानी इनके अंदर जाता है, कई बार सेम ओपनिंग से बाहर आ जाता है और कई बार ओपनिंग अलग अलग होती है, जाता कहीं से है, निकल कहीं से जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर इस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें वाटर एंटर करता है, ठीक है, और जिस पोर से वाटर एंटर करता है उस पोर को हम कहते हैं ऑस्टिया, और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि स्पॉन्जेस में जहाँ से पानी एंटर होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल। और स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील जो है उसमें जो है फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, तो बहुत कम स्पॉन्जेस ऐसी होती हैं जिनमें ओपनिंग अलग अलग होती है, यानी पानी कहीं और से अंदर जा रहा है और कहीं और से बाहर निकल रहा है, लेकिन जहाँ से जाएगा उसको तो हम ऑस्टिया कहेंगे और जहाँ से बाहर जा रहा है उसको हम ऑस्क्यूलम कह रहे हैं, ऑस्क्यूलम कह रहे हैं, ठीक है। ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर आता है, ये आपने याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। सो इन दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये जो ये मान लेते हैं ये एक स्पॉन्ज है, इसमें पानी एंटर हो रहा है, यहीं से बाहर जा रहा है या कहीं और से जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो पानी एंटर हो रहा है उसी के साथ फूड पार्टिकल आ रहे हैं, वहीं से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है और उसी के साथ वेस्ट बाहर आ रहा है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है इनका, ठीक है। इसी तरह से ये खाना लेती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं अपनी बॉडी की। तो ये थे पोरीफेरा, जिनको कि हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम सिलेंट्रेट्स की, जिनको कि हम निडेरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो निडेरिया जो है ना, ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मरीन यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है, और ये सेजाइल होते हैं, सेजाइल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं। देखो, जो हमारी स्पॉन्जेस थी ना पीछे, वो सेजाइल नहीं थी, सेजाइल मतलब वो एक ही जगह पे चिपकी होती हैं, चट्टानों को चिपकी हुई रहेंगी, वो हिलती नहीं है, वो स्विमिंग नहीं कर रही है पानी के अंदर। लेकिन जो ये निडेरिया होते हैं ना, ये स्विम करते हैं, दे आर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सेजाइल हैं, सेसाइल जो भी बोल लो आप, ठीक है, तो ये सेजाइल हैं, दैट मीन्स दे आर फ्री स्विमिंग इन द वॉटर, ठीक है, जैसे ये जेलीफिश है, स्विम करती है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, आप इनको इस तरह से रेडियली सिमेट्री में ला सकते हो, ठीक है। सेजाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म भी होती है, जैसे कि हाइड्रा जो आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है,
ठीक है, ये हाइड्रा है और ये जेलीफिश है, फाइन। तो ये फ्री स्विमिंग है लाइक जेलीफिश एंड दे डोंट हैव ब्लड। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर ब्लड नहीं होता, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, ठीक है। दे डो नॉट हैव ब्लड, इसके बावजूद भी वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आपने बहुत बार सुना होगा उनके बारे में, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादातर इन्हीं ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी हुई है और इन्हीं से बनी हुई है ज़्यादातर, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हैं सिलेंट्रिक्स, निडेरिया, क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम टिनोफोरा की। टिनोफोरा दे आर नोन एज सी वॉलनट और कॉम, आई फॉरगॉट टू पुट देयर पिक्चर हियर, बट इस तरह से दिखते हैं और ऐसे लंबा सा उनका ये होता है और ये कॉम लाइक उसमें हेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत सारे इस तरह से। सो दे आर सी वॉलनट और कॉम जेलीज बोल देते हैं हम इनको, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में ही मिलती हैं। इनकी बॉडी भी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें दो लेयर्स होती हैं स्किन की, ठीक है। इस कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है वो इनमें मिसिंग होती है, ठीक है जी। तो इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर्स होती हैं स्किन में, उनको ट्राइब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं, फाइन। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि वो चमकते हैं अंधेरे में, जैसे जुगनू चमकता है वो बायोल्यूमिनेसेंस है, ठीक है। ऐसे ही ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है, क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग में से कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल जो है, जिसके ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो आपने याद रखना है जो टिनोफोरा होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ठीक है जी। अगली बात करते हैं हम प्लेटीहेलमिंथीज की। प्लेटीहेलमिंथीज, ठीक है, पी फॉर प्लेटीहेलमिंथीज एंड प्लीव पी फॉर पैरासाइट। मैंने ऐसे याद रखा है, आप ही याद रख सकते हो। ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं और इनकी बॉडी बड़ी फ्लैट सी होती है, ठीक है, फ्लैट बॉडी होती है ये, इस तरह से फ्लैट बॉडी है, और इसलिए इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, इनको फ्लैट वर्म बोल देते हैं, ठीक है, फ्लैट बॉडी होने के कारण। एंड दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल के अंदर जो है, अंदर, एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर जाके पैरासाइट बन जाएंगे, कहीं पेट में जाके, कहीं लीवर में जाके, कहीं कहीं भी जाके पैरासाइट बन जाते हैं, मतलब वहां से जो है वो अपना सारा न्यूट्रिशन उठाते हैं, ठीक है। और इनमें, सॉरी, इनमें जो है वो हुक्स और सकर्स होते हैं, या तो इनमें हुक होता है जिससे कि वो हुक हो जाते हैं अंदर पेट में, या फिर कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जाके, या फिर उनमें सकर होता है इस तरह से, वो जैसे सक्शन करके ना चिपक जाते हैं वहां पर, और फिर वहीं से जहां भी, जिस भी बॉडी के अंदर जाते हैं वहां चिपक जाते हैं, और फिर सारा न्यूट्रिशन वहां से उठाते हैं। पैरासाइट यही तो करता है। पैरासाइट क्या करता है, वो होस्ट की बॉडी में जाता है और सारा का सारा न्यूट्रिशन पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी से ही लेता है। ऑलराइट, तो इसकी एग्जांपल है जैसे कि टीनिया, जिसको कि हम टेपवर्म बोलते हैं, और ये फेसियोला, जिसको कि हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो ये फेसियोला है, लीवर फ्लूक यहाँ पे, और ये टेपवर्म है, ठीक है जी। तो ये हो गए प्लेटीहेलमिंथीज। तो पी फॉर प्लेटीहेलमिंथीज एंड पी फॉर पैरासाइट। ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। ओके, आगे बात करते हैं एस्केल्मेंथीज की। एस्केल्मेंथीज क्या होते हैं, इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ज़्यादातर देखो ना कि सिलेंड्रिकल बॉडी, ये गोल गोल से होते हैं, सर्कुलर से होते हैं, ठीक है, हैंस द नेम राउंड वॉर्म। क्योंकि ये गोल गोल होते हैं, सर्कुलर से होते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर नाम क्या बोल रखा होता है, राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म क्या है, दे आर एस्केल्मेंथीज, ठीक है। दे मे बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, ज़मीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं, और वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर। राउंड वर्म, ज़्यादातर याद रखना जहाँ पे वर्म आ जाता है ना, वर्म मतलब वो एक तरह से पैरासाइट है, वर्म की तरह किसी दूसरे एनिमल या प्लांट के ऊपर ही फीड करेंगे, ठीक है। या आगे बात करते हैं एनीलीड। अब जैसा कि इनका नाम है एनीलीड,
है ना। वैसे तो एनिलीड का मतलब पता है क्या होता है लैटिन भाषा में, एनिलीड में एनलस का मतलब होता है छोटे छोटे रिंग, ऐसे छोटे छोटे रिंग। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर छोट ऊपर बाहर स्किन पे ऐसे रिंग्स 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 बने होते हैं इस तरह से, देख पा रहे हो आप? आई होप आपने ये दोनों ही देखी हुई, ये जोंक है लीच जिसको हम बोलते हैं, तो इन उसकी बॉडी में भी ऐसे रिंग्स ऐसे बने होते हैं, ठीक है। सो इनको एनिलीड्स बोलते हैं, फाइन। और मैं खुद अपने याद रखने के लिए इनको एनिलीड्स इस तरह से याद रखा है मैंने कि ये किसी भी फॉर्म में होते हैं, एनी दे डू एनी थिंग, कुछ भी करते हैं, जैसे कि वो एक्वेटिक हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी करते हैं, एनी थिंग दे डू एनी थिंग, जो उनका मन करे वो करते हैं, तो वो एनिलीड है, दे कैन डू एनी थिंग। तो मैंने दिमाग में ऐसे रखा है, आप भी रख सकते हो। अदरवाइज एक्चुअली देखा जाए तो ये एक लैटिन वर्ड है एनिलीड, जिसका मतलब होता है एनलस, मतलब लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स उनके शरीर के ऊपर होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसीलिए इनको एनिलीड्स बोला जाता है, राइट। जिसमें कि जैसे कि नैरिस एक एक्वेटिक फॉर्म में होता है, और वो और डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है डायोशियस, तो आपको पता होना चाहिए डायोशियस क्या होता है। देखिए डायोशियस क्या होता है, एक ऐसा एनिमल जो जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोशियस, ठीक है। और जैसे कि अर्थवॉर्म और लीचेस आर मोनोशियस, मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी जो है वहीं पे दोनों ही ऑर्गन्स, दोनों ही फंक्शन अवेलेबल हैं, मेल फंक्शन भी एक ही बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल फंक्शन भी एक ही बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो मोनोशियस हैं। डायोशियस मतलब अलग अलग चल रहे हैं उनके फंक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। अब आप कहोगे एक ही एनिमल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर जो है दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप यू गेट इट। सो ये है एनिलीड्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा ये मैं कहती हूँ जितने भी एनिमल्स हैं ना दुनिया में, जितने भी, सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं, सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड हैं, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो आप सोचो आपके आसपास कितने इंसेक्ट्स हैं। अब चींटियों को ही काउंट कर लो कितनी होती हैं, बट मैं कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स ही होते हैं इसमें, लेकिन इसमें बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को इंक्लूड करता है ये, और ये लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो जो है वो जॉइंट से रिलेटेड होता है ना, बस आप ऐसा ही याद रख लेना। आर्थ्रोपोडा जो है इनमें ना, इनमें जॉइंट होते हैं, ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसी कारण इनको आर्थ्रोपोडा बोल देते हैं, ठीक है। सो ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। सोचो 2/3 स्पीशीज जो दुनिया में हैं वो सारी क्या हैं, आर्थ्रोपोडा है। जितने भी हमने नाम रखे हैं वो आर्थ्रोपोडा है, बाकी रह गए 1/3 ओनली, ठीक है, जो कि और कुछ होंगे। वेट यस, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सिस्टम, ठीक है। एंड दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, ऑर्थो मीन्स जॉइंट, जिसकी वजह से इनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम होता है जैसे कि कॉकरोच में होता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनका कि जो स्पाइडर्स है ना, बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्पाइडर जो है वो एक इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोड में आता है। तो देखिए स्पाइडर जो है ना वो आर्थ्रोपोड नहीं होता, वो आर्थ्रोपोड नहीं होता, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, उनकी 6 legs होती है, 6 legs, 3 एक तरफ, 3 pair होते हैं, मतलब 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। लेकिन जो आपकी मकड़ी होती है ना स्पाइडर, उसमें 8 pair ऑफ लेग्स होते हैं, 8 legs होते हैं, 4 pair, 4 एक तरफ होते हैं, 4 एक तरफ होते हैं। इसलिए मकड़ी को यानी स्पाइडर को आर्थ्रोपोड में कंसिडर नहीं किया जाता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं मोलस्क के बारे में। मोलस्क बड़ी मुलायम बॉडी होती है, बस ऐसे याद रखना, यहीं से याद रह जाएगा, मोलस्क जिनकी मुलायम बॉडी होती है। और ये किंगडम एनिमल फाइलम का जो है, ये एनिमल फाइलम, एनिमल में ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आता है आर्थ्रोपोड के बाद, सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड, दूसरे नंबर पर मोलस्क, ठीक है। मुलायम बॉडी होती है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया आपका, स्नेल हो गई आपकी, पाइला हो गया आपका, ये सब जो है वो मोलस्क है,
ठीक है। बॉडी इनकी बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, बॉडी इनकी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, और इनके बॉडी के ऊपर एक शेल सा इस तरह से बना होता है, आपने स्नेल का देखा होगा, पाइला का देखा होगा, है ना, शेल बना होता है ऊपर, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी मुलायम बॉडी को। सो द बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प, ठीक है जी। तो इनकी बहुत ही सॉफ्ट सी बॉडी होती है, फॉर एग्जाम्पल पाइला हो गया एंड पिंकटेडा हो गया, पर्ल ऑयस्टर जिसको हम बोलते हैं, सेपिया हो गया कटल फिश, लॉलीगो हो गई स्क्विड, और ऑक्टोपस हो गया जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है, ओके। मोलस्क हो गए, उसके बाद आते हैं इकाइनोडर्मिट्स। इकाइनोडर्मिट्स मैंने ये ऐसे याद रखती हूँ, आई मीन मैंने अपने लिए खुद कैसे याद रखा है, इकाइनोडर्मिट्स जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है, जिनके शरीर पर थोड़े कांटे से होते हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मिट्स, काइनोडर्मिट्स से कांटे याद रखना है आपने, ठीक है। सो दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिल्स, ऑसिल्स ऑसिकल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ऐसे स्पाइंस, छोटे 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 स्पाइंस जो हैं चुभने वाले इनके शरीर के ऊपर होते हैं, उबड़ खाबड़ सा रफ सा शरीर होता है इनका ऊपर से, ठीक है। तो स्पाइनी बॉडी होती है इनकी, स्पाइनी बॉडी, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मिट्स बोलते हैं। एंड ऑल आर मरीन, सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका स्टार फिश, जिसको कि हम एस्टेरियस कहते हैं, देखो ये असली फिश नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा है, फिश अलग होती हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ये इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं। स्टार फिश, स्टार फिश इज नॉट अ रियल फिश, नाम में फिश है बस। इकाइनस, सी अर्चिन जिसको हम बोलते हैं अर्किन, एंड एंटीडॉन जिसको हम सी लिली बोलते हैं, ककुम्बर जिसको हम सी सॉरी कुकुमेरिया जिसको हम सी ककुम्बर बोलते हैं, एंड ऑफ्योरिया जिसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मिट्स की, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी बॉडी होती है, ओके। एंड फिर आते हैं हेमीकॉर्डेट्स, पहले हम इनको कॉर्डेट्स में ही पढ़ते थे, लेकिन इनको हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। ये फाइलम पहले, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा फाइलम पहले कॉर्डेट्स में ही था, जिसको हमने बाद में सेपरेट किया, सॉरी ये हेमीकॉर्डेट्स है, ठीक है। तो सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा पहले आते थे, अब नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल इसमें इट इज प्लेस्ड अंडर सेपरेट फाइलम, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जैसे बुलेनोग्लॉसस, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट हम पहुँचते हैं कॉर्डेट्स की तरफ, फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा की जो पहचान होती है सबसे बड़ी, वो होती है नोटोकॉर्ड। Animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of a notochord dorsal having a hollow nerve cord बीच में। मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, Chordata वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी जैसी स्पाइन होती है पीछे, और बीच में कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह होती है। मैं नहीं कह रही हूँ सब में रीढ़ की हड्डी प्रॉपर होती है, नहीं, लेकिन उसका एक अर्लियर प्रिमिटिव फॉर्म जिसको हम नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं, एग्जैक्ट रीढ़ की हड्डी ना हो लेकिन उस तरह का नोटोकॉर्ड उनके पास होता है। तो नोटोकॉर्ड जहाँ है वो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं सब फाइला में, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिका, ट्यूनिकेटा एंड वर्टिब्रेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, लेकिन इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। आज आपको जो याद रखने हैं वो ये सब हैं, कौन कौन से जिनको हमने देखा, वो थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीस, पेरासाइट्स, आई होप यू रिमेम्बर, एंड देन एनीलिडा, कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, एस्केलमेंथीस, देन आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले, ऑर्थो मतलब जॉइंट से, और मोलस्क, मुलायम बॉडी वाले, एंड देन इकाइनोडर्मेटा जिनमें कांटे होते हैं, स्केली बॉडी होती है, एंड हेमीकॉर्डेट्स एंड देन कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट को डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम देखो टारगेट लेके चल रहे हैं हम इसको साइंस मास्टर कैडर के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।